हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे लाइट पिंक और वाइट कलर में कॉम्बिनेशन लिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और हैवी ड्रेस है। ये देखिए, बैक से ऐसी दिखेगी आपको, पीछे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलेगी और फ्रंट से भी अच्छी सी फिनिशिंग है। यहाँ पे हमने डोरी भी डाली है कमर के लिए और ये है इसकी चोली। हमने ये ड्रेस इस मेज़रमेंट चार्ट के से बनाई है। यहाँ पे हमने 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी का मेज़रमेंट दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वैसे मैं इसकी क्लियर फोटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे बेस बना लिया है। बेस बनाना हमने पिछली वीडियो में ही देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें, या फिर एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब चलिए इसे हम डेकोरेट करते हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए हम ये रोज़ बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे रोज़ हमें बनाने हैं। ये रोज़ बनाना मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, बट आज हम कॉटन के फैब्रिक से देखेंगे कि इसे कैसे बनाना है। आज हम सुई धागे का यूज़ नहीं करेंगे, आज हम ग्लू गन से इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 इंच लंबा और ये देखिए 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। इसे हमने ऐसे बीच से फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे हल्का सा ओपन करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे और इसे ऐसे चिपका देंगे। यहाँ से चिपकाने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगाएंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ट्रायंगल बना लिया है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे रोल करना है। इतना रोल किया, ये देखिए अभी हमारा ये इतना बाकी है। तो हम यहाँ पे भी हल्का सा ग्लू लगा देंगे। ये हो गया, अभी हमारा रोल खुलेगा नहीं जो हमने किया है। ये देखिए, ये ऐसे आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ यही हमें हमेशा पकड़े रहना है, ये हिस्सा हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ नीचे से अंगूठे लगाएंगे और ऊपर से उंगली लगा के इसे हमें ऐसे, ये देखिए, पलट देना है। ये नीचे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्लू लगाना है। हम फिर यहाँ पे ऐसे पलट के और इस ग्लू पे लेते आएंगे। ये देखिए, ऐसे करके आएगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्लू। यहाँ से ऐसे फिर हमें पलटना है और ग्लू पे चिपका देंगे। ये हो गया, ये हमारा जो आ रहा है इसके अंदर ही हमें लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, ऐसे करके, और फिर यहाँ से ये फोल्ड करके चिपका दिया। ऐसे ही हमें बार बार करना है। अब लास्ट में ये जो हमारा बचा है इसे हमें पूरा ऐसे पलट देना है पीछे, और पीछे लगा लेंगे। ये हमारा रोज बन गया है। अब इसे हमें अपने ड्रेस पे चिपका देना है। ये देखिए, ऐसे करके, बट इसे चिपकाने से पहले हम देखिए इसे लगाएंगे। यहाँ चिपका देते हैं, नहीं तो ये सूख जाएगा तो फिर लग नहीं पाएगा। ऐसे करके ये हो गया। तो चलिए अब हम इसे भी बनाना देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ देखिए ये फैब्रिक लिया है, ये हमने व्हाइट कलर में शॉर्टन का फैब्रिक लिया है।
इसकी लंबाई हमने 3 इंच और चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। इसे हम कट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से जैसे पत्ती होती है उसका शेप हमें देना है। इधर से भी कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसे चारों साइड से बर्न कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे बीच से कट करके अलग कर देना है और यहाँ से भी हम बर्न कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब हम पहले इन सभी लीव्स को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे करके, ये देखिए ऐसे करके आएंगी। ऐसे करके पहले हम लीव्स को लगा लेंगे पूरे राउंड पे, उसके बाद हम ये फ्लावर लगाएंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। हमने यहाँ पे देखिए सभी फ्लावर्स को लगा लिया है और यहाँ पे हमने ये पत्तियाँ भी लगा ली हैं। अब हमने यहाँ पे ये गोल्डन कलर में 3D ली है, ये देखिए इसे हम पत्ती के ऊपर लगाएंगे। यहाँ से ये देखिए ऐसे करके हमें पत्ती का शेप देना है। ये देखिए ऐसे करके जब ये सूखेगी तो एकदम गोल्डन कलर में हो जाएगी। तो ऐसे करके हम सभी पत्तियों पे कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने 3D को इतनी दूर लगा के छोड़ दिया है। पहले हमें यहाँ पे मोती लगानी होगी क्योंकि हम इसे सुई धागे से लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ से 3D लगा लेंगे पहले तो फिर मोती लगाने में प्रॉब्लम होगी। हमने देखिए इतनी दूर लगा लिया है। यहाँ पे हमने 10 नंबर की मोती ली है गोल्डन कलर में। तो देखिए हमें कैसे लगाना है, ऐसे एक मोती डालेंगे। यहाँ पे हमें ऐसे लगा के फिर यहीं से हमें यहाँ पे निकल आना है। ये देखिए यहाँ पे मोती लग गई। अब फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम सभी पत्तियों पे 3D को लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे देखिए सभी पत्तियों पे 3D लगा दी है और यहाँ बीच बीच में भी हमने 3D लगा दी है और इसकी कमर पे एक बार लगा दी है जिससे यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन टच आ जाए। और हमने यहाँ इसके ऊपर एक एक नग लगा दिया है सभी फ्लावर के ऊपर। बस हमने इतना ही काम किया है। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे और चोली बनाएंगे। चोली के लिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच लंबा और 1.7 इंच चौड़ा ये फैब्रिक लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे देखिए बुकरम के ऊपर पेस्ट किया है। हमने पिंक कलर वाला फैब्रिक लिया है। इसे हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमें शेप देनी है, ये हो गई। यहाँ से नेक कट कर देते हैं। ये देखिए ऐसे करके हमें करना है। ये हम एक साइड से हम पूरा कट कर देंगे, ये हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। ये देखिए ये हो गई चोली। ये देखिए यहाँ पे हमने डोरी लगा दी है। हम इसे कैसे पहनाएंगे, ये हिस्सा हमारे एक कंधे से आएगा और ये दूसरे कंधे से आएगा और उसके बाद हम इसे यहाँ से डोरी की हद से बांध लेंगे। ये बहुत अच्छे से फिट आएगी कान्हा जी को। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने से ये लॉक भी हो जाएगी। हमने यहाँ पे देखिए ये नग कट किया है, हमने ये इस लेस में से कट किया है। तो चलिए इसे लगाते हैं, दोनों साइड्स पे हम लगाएंगे। हमने देखिए यहाँ से लेके यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमने ग्लू लगा दिया है। बस हमारी ये साइड अभी लॉक नहीं है तो इसे हम 3D से लॉक करेंगे। अभी हमने जहाँ जहाँ ग्लू लगाया है वहाँ पे हम इसे लगाएंगे।
अब हमें इसकी नेक पे 3D लगानी है, तो हमने यहाँ पे सिल्वर कलर में 3D ली है, इसे हम लगाएंगे। अब हम यहाँ पे गोल्डन 3D लगा लेते हैं। और फिर इसके अगल बगल हम सिल्वर 3D लगाएंगे, तो ये देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन बना के ऐसे लगाएंगे। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो ये डिज़ाइन मेहंदी में बहुत यूज़ होता है। ये हो गया, अब बूटी बूटी दे देते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसे भी हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो चलिए सूख जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये अब सूख गया है और ये हमारी काफ़ी हैवी सी ड्रेस तैयार हुई है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है देखने में। और ये चोली भी हमारी सूख गई है, ये देखिए गोल्डन ग्लिटर भी दिख रहा है और हमने जो सिल्वर कलर में 3D लगाई थी वो भी दिख रही है। तो हमारी दोनों 3D एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।